तो दोस्तों पुरानी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सडनली जो वीडियो के व्यूज़ है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे हैं और सब्सक्राइबर भी काफ़ी जो है चैनल से जुड़ गए हैं। और बहुत से स्टूडेंट हैं जो लिंक्डइन से उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया, उन्होंने पूछा कि वो जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं, तो जो रिज्यूमे हैं उनका बेसिकली वो बोल रहे हैं मुझे रिव्यू कर दूँ उनका रिज्यूमे। अगेन हर स्टूडेंट का रिज्यूमे वन बाय वन रिव्यू करके उनको फीडबैक देना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना के सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले अगर बात करें कि जो आपके रिज्यूमे की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो रिज्यूमे जो है आपका मैक्स टू मैक्स 1 से 2 पेज का होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट हैं उन्होंने 3-3, 4-4 पेजेस के रिज्यूमे मुझे भेजे कि आप इसको रिव्यू कर दो। तो आप समझो एज अ फ्रेशर आप अगर ट्राई कर रहे हो जॉब के लिए, आप मतलब 5 पेज का रिज्यूमे कोई भी आपका जो है वो पढ़ने नहीं वाला है, इंटरव्यूअर बहुत बिजी होते हैं और 5 पेजेस के रिज्यूमे यार किसी के पास इतना टाइम नहीं है। जो बेस्ट रिज्यूमे होता है वो हमेशा 1 से 2 पेज का होता है। कोशिश करो एज अ फ्रेशर आप सिर्फ और सिर्फ 1 पेज का रिज्यूमे बनाओ, उसी में सारी चीज़ें आ जाएंगी। और अगर आपको इनफैक्ट 1 से 2 साल का भी एक्सपीरियंस है तो 1 पेज का रिज्यूमे दैट इज़ मोर देन इनफ टू कवर एवरीथिंग, ऑल द स्किल सेट विच यू हैव। ठीक है, अब आते हैं जो पॉइंट नंबर 2 है कि जो आपका रिज्यूमे है बिल्कुल भी उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से हेल्प लो जो कि इंग्लिश में अच्छे से आपका रिज्यूमे बना दे। अगर कोई आपको आसपास नहीं मिलता है तो शॉप पे जाओ जो रिज्यूमे बना सकते हैं आपको, या वहाँ से भी हेल्प नहीं मिलती है रिज्यूमे मेकर बहुत सी वेबसाइट है, आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कौन सा फ्री रिज्यूमे मेकर आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे बनाओ। जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है उसको ऑनलाइन चेक करो, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अपने रिज्यूमे में बिल्कुल भी मत करो। रिज्यूमे में अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक करोगे ये बताएगा आप कितने केयरलेस हो, आपको मतलब बिल्कुल भी अपने रिज्यूमे की परवाह नहीं है, आपने 10 मिनट में अपना रिज्यूमे बना लिया या बनवा लिया किसी से। ठीक है, तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करो। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो डिटेल्स हैं वो आपको कितनी देनी है। अगेन जो आपका रिज्यूमे है वो रिज्यूमे है, उसमें आपको स्किल सेट दिखाना है, उसमें आपको अपनी जन्म पत्री नहीं देनी है जिसमें आप बताने लग रहे हो कि आपका एड्रेस क्या है, आप कौन सी गली में रहते हो, वो सब चीज़ें बिल्कुल नहीं बतानी है आपको रिज्यूमे में। यार नोबडी इज बॉदर्ड, अगर मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ आई एम नॉट बॉदर्ड कि ये भाई कहाँ रह रहा है, किस गली में रह रहा है, किस कूची में रह रहा है, इट इज़ नन ऑफ माई कंसर्न। जो आपको सिर्फ अपने स्किल सेट बताने हैं उसमें, अगर जॉब जावा से रिलेटेड है तो आपको उस रिज्यूमे में जावा से रिलेटेड चीज़ें लिखनी है। उसमें आपने C++ कर रखा है, पाइथन कर रखा है, आप एडोबी फ्लैश प्लेयर यूज़ कर लेते हो, आपके वीडियो एडिटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप ट्रैवलर हो, आप ब्लॉगर हो, उन सबसे मुझे कोई मतलब नहीं है। जॉब जो है जावा की है तो आपको जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं जावा से रिलेटेड वो चीज़ें अच्छे से डालनी है, उसके अलावा बाकी किसी भी चीज़ों का मतलब नहीं बनता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने रिज्यूमे बनवा लिया बाहर और बाहर किसी जो कैफे वगैरह से, और उसके बाद जो उसके 10-15 प्रिंट आउट मारे या उसकी सॉफ्ट कॉपी सबको सभी जॉब्स के लिए भेजनी शुरू कर दी। ठीक है, तो एक टाइप का जो रिज्यूमे अगर आप सभी को भेजोगे या सभी पोजिशंस के लिए भेजोगे तो वो वर्कआउट नहीं होगा। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपका स्किल सेट है जावा पे और पाइथन पे भी, और आप चाहते हो या तो आपको जावा में जॉब मिल जाए या पाइथन में मिल जाए, ठीक है, एज अ फ्रेशर, तो आपको 2 रिज्यूमे बनाने हैं। एक में आपको जावा का बहुत अच्छे से बताना है, दूसरे में पाइथन का बहुत अच्छे से बताना है। आपको जो 2 या 3 पेज का रिज्यूमे नहीं बनाना है कि जिसमें आप जावा भी बता रहे हो पाइथन भी बता रहे हो, जावा के लिए आप जावा, जिसको जावा की रिक्वायरमेंट है उसको सिर्फ वही 1 पेज का रिज्यूमे भेजो जिसमें आपने जावा से रिलेटेड स्किल सेट की डिटेल दी है। पाइथन वाले को पाइथन से रिलेटेड जो स्किल सेट है उसकी डिटेल भेजो। उसके अलावा जो है सब चीज़ों को मिक्स मत करो, जितना आपकी जो चीज़ें हैं स्पेसिफिक रहेंगी, टू द पॉइंट रहेंगी, टू द स्किल सेट रहेंगी, टू द जॉब जो रोल है मतलब जो जॉब रोल है उससे रिलेटेड रहेंगी, वो बेस्ट होगा आपके लिए। अब अगर रिज्यूमे की थोड़ा फॉर्मेटिंग की बात करें तो सबसे ऊपर जो है वो नाम वगैरह लिखने के बाद जो ऑब्जेक्टिव का कॉलम लिखा जाता है या ऑब्जेक्टिव का बेसिकली लिखा जाता है कि आप क्यों ये जॉब करना चाहते हो, उसमें अगर आप फिलोसफिकल लाइन लिखते हो कि यार मैं बहुत पैशनेट हूँ, आई वॉन्ट टू फाइंड दिस जॉब दैट जॉब ऑल दिस थिंग, इट इज़ ओके। लेकिन आपको रियली में बताना है यार कुछ रिलेटेड कि आप क्यों ये जॉब करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर जावा से रिलेटेड जॉब है आपको बताना है कि आप जो है यू आर गुड इन जावा, यू वांट टू कंटिन्यू वर्किंग इन जावा, आप उसमें ग्रो करना चाहते हो, यू नीड टू राइट दिस। तो आपको स्पेसिफिकली लिखना है जावा, आपको सिर्फ ऐसी लाइनें लिखनी है कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ टाइप की। ठीक है, अब और इसके अलावा जो एक चीज़ जिसमें आपको केयरफुल रहना है कि रिज्यूमे में कभी भी गलत डिटेल मत दो, स्पेशली जो आपकी ईमेल आईडी और जो आपका फ़ोन नंबर है, क्योंकि जो भी आपको कांटेक्ट करेगा वो आपके ईमेल आईडी पे करेगा। तो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ये हमेशा आपका जो रिज्यूमे में है जस्ट मेक श्योर ये 100% करेक्ट है। अदरवाइज आपने देखा होगा कि आप रिज्यूमे हर जगह भेज रहे हो आपको कॉल क्यों नहीं आ रही है या आपको ईमेल क्यों नहीं आ रही है।
अब भाई ईमेल आएगी कैसे जब आपका ईमेल एड्रेस ही गलत होगा, ठीक है? तो ये चीज़ों का जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं तो आई थिंक जो भी आपने मेहनत कर रहे हो वो सब पानी है अगर उसको आप डिटेल ही अपनी गलत दे देते हो। तो अब चलो देखते हैं कौन सा जो रिज्यूमे मेकर है जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। अगेन कुछ पेड वाली सर्विसेज भी हैं तो उसमें एक आध का मैं जो पेड वाला है वो भी बता दूंगा, ताकि आप उसको भी अगर आपके पास पैसे हैं आप हाई क्वालिटी का रिज्यूमे बनाना चाहते हो तो उसको भी आप देख सकते हो। और अगर आपके पास जो रिज्यूमे बनाने के पैसे नहीं हैं फॉर एनी रीज़न, आप मेरे को नीचे कमेंट में बताओ, आप मेरे को ईमेल करो जो भी आपका रिज्यूमे वगैरह है। आई विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग, ठीक है? आपको रिज्यूमे सही से बना के दूंगा या बनवा के दूंगा, ठीक है? लेकिन प्लीज़ इसका मिसयूज़ मत करो, सिर्फ उसी के लिए जिसके पास पैसे नहीं हैं, सिर्फ वही मेरे से कॉन्टेक्ट करना है इस चीज़ के लिए। बाकी जो अफोर्ड कर सकते हैं या जो फ्री में रिज्यूमे मेकर पे जाके अपना रिज्यूमे बना सकते हैं तो वो लोग उसको फॉलो करो, ठीक है? और कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो अब अगर मैं बात करूँ फ्री ऐसी वेबसाइट की जहाँ पे आप अपना रिज्यूमे बना सकते हो, तो ये वाली जो वेबसाइट है रिज्यूमे मेकर डॉट ऑनलाइन, इसको आप यूज़ कर सकते हो अच्छा सा रिज्यूमे बनाने के लिए। और उसके बाद जो है आप उसको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। अगेन एक ये जो है रिज्यूमे डॉट आईओ करके ये पेड वेबसाइट है, लेकिन इसमें जो टेम्पलेट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। आई थिंक इसमें जो 7 दिन का सब्सक्रिप्शन है, जो ट्रायल काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन है, जो कि आपको अराउंड 100 रुपीज़ के आसपास पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपको इसमें अपना जो है ज़रूरी नहीं है कि आप अपना टाइम और पैसा इसमें वेस्ट करो, आप जो है रिज्यूमे मेकर डॉट ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो। ये भी आई थिंक ठीक ठाक मेरे को लग रहा है, और इसका भी जो रिज्यूमे फॉर्मेट है काफ़ी अच्छा है। अब इस पे जो मैं जाता हूँ डिज़ाइन माई रिज्यूमे पे, और यहाँ पे क्या है कि आपको ये वाला जो फॉर्मेट है, दिस इज़ अ फॉर्मेट जो है मेरे को बहुत अच्छा ये फॉर्मेट लग रहा है, ठीक है? ये वाला जो फॉर्मेट है इसमें बिल्कुल क्लियर है। लेफ्ट साइड में आपकी फ़ोटो है, यहाँ पे आप अपना नाम डालोगे, यहाँ पे जो है आप अपना प्रोफेशन डालो, और उसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हो जो आपका एक्सपीरियंस वगैरह है वो सब आपने डाला। एजुकेशन में जो आपकी डिग्री है, जो हाईएस्ट डिग्री है वो डालना बहुत ज़रूरी है। लोएस्ट अगर आपको डालना है आप डाल सकते हो, नहीं डालना तो इतना ज़रूरी नहीं है। और लेफ्ट साइड में आप देखोगे बर्थ डेट है, नेशनैलिटी है, एड्रेस है। अगेन एड्रेस में जो अगर आप जैसे किसी और सिटी में काम कर रहे हो या आप किसी और सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप सिटी तक का एड्रेस दे सकते हो, लेकिन आपको स्ट्रीट नंबर या आपके मकान नंबर तक का जो एड्रेस देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इनफैक्ट अगर मैं नेशनैलिटी भी बोलूँ तो अगर आप इंडिया में अप्लाई कर रहे हो तो नेशनैलिटी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंडिया से बाहर फॉरेन किसी जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हो तो नेशनैलिटी वगैरह डाल सकते हो, अदरवाइज इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो जो है इसको आप यूज़ करके अपना अच्छा खासा रिज्यूमे बना सकते हो। अगेन मैं आपको यहाँ पे रिज्यूमे बनाने नहीं बताने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें अपना रिज्यूमे बना सकते हो। आई थिंक यू गाइज विल बी एबल टू एक्सप्लोर इट कि इसमें बनाना कैसे रिज्यूमे, या यूट्यूब पे इसके ट्यूटोरियल वगैरह अवेलेबल है, उसमें आप देख सकते हो अच्छे से। तो ये वाला जो है ये वेबसाइट यूज़ करो अपना फ्री में, अच्छा जो अट्रैक्टिव रिज्यूमे है वो बनाओ, और जो चीज़ें मैंने बोली हैं उनको फॉलो करो। सिर्फ एक पेज का रिज्यूमे बनाओ और डेफिनेटली जो आपका जो रिज्यूमे है वो स्टैंड आउट करेगा। अगर 1000 रिज्यूमे है जो कि बहुत बेकार तरीके से बने हुए हैं, 5 5 7 पेजेस के रिज्यूमे हैं या 3 4 पेजेस के रिज्यूमे हैं, और एक ऐसा रिज्यूमे है जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, या फिर जैसा कि ये जो इसका ये वाला जो टेम्पलेट है, ठीक है? तो दीज आर द थिंग्स जो बहुत ही आप देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रिज्यूमे हैं। आपको ये वाले जो फॉर्मेट फॉलो करना है, स्पेशली अगर मैं बोलूँ ये वाला जो फॉर्मेट है दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड, ठीक है? यहाँ पे एक्चुअली इस साइट पे जितने भी जो रिज्यूमे दिए गए हैं बहुत ही प्रोफेशनल रिज्यूमे हैं। तो अगेन आप ये वाला जो टेम्पलेट है एग्जैक्टली मैच कर रहा है इस वाले टेम्पलेट से जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये वाली जो वेबसाइट है ये फ्री है, और ये वाली जो वेबसाइट है ये पेड है, लेकिन ये भी 7 डेज के लिए ट्रायल के लिए आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगेन आई थिंक दिस इज़ लुकिंग गुड, दिस इज़ गुड इनफ। वन पेज आप देखो यहाँ पे भी, वन पेज में सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो इसको यूज़ करो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।